For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. थग्स ऑफ हिंदुस्तान की प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। वैसे तो थग्स ऑफ हिंदुस्तान के रिलीज में अभी काफी देर है, लेकिन अभी से ही इस मच एंटिसिपेटेड वेंचर की यूएई में प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि यूएई में थग्स ऑफ हिंदुस्तान की प्री बुकिंग को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वैसे अगर आप इस बात को लेकर दुविधा में हैं कि आखिर यूएई में ये फिल्म इसके वर्ल्ड वाइड रिलीज यानी कि 8 नवंबर से पहले रिलीज होगी या नहीं, तो बता दें यूएई में ये फिल्म 8 नवंबर को ही रिलीज होगी यानी कि 8 नवंबर 2018। साथ में ये भी बताते चलें कि आमिर खान और अमिताभ बच्चन स्टार इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है। अब ऐसे में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आखिर ए सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद इस फिल्म को दर्शकों से बेशुमार प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बॉलीवुड स्पाई। बीटाउन में जब से हैशटैग मीटू मूवमेंट शुरू हुआ है, तब से लगातार सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के बीते रिश्ते को खूब टारगेट किया जा रहा है। जहां इससे पहले इन दोनों का सालों पुराना एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, वहीं अब ऐश्वर्या राय बच्चन का एक फेक ट्वीट भी खूब वायरल हो रहा है। बताते चलें, इस ट्वीट में लिखा गया है, हाँ मुझे मेरे पिछले टॉक्सिक रिलेशनशिप में मारा पीटा, थ्रेटन और अब्यूज किया गया था। बॉलीवुड के सबसे बड़े चैरिटी मैन हु कॉल्स हिमसेल्फ ह्यूमन इज नॉट सो ह्यूमन आफ्टर ऑल। बताते चले, इस ट्वीट में ना ही कोई नाम लिया गया है और ऐश ने कभी भी सलमान को कसूरवार नहीं ठहराया है। उल्टा ऐश ने हमेशा इस मामले में मीडिया के रोल पर सवाल उठाया है। ऐश्वर्या हमेशा यही कहती हुई नजर आई हैं कि उन दोनों पर बार बार मीडिया ने गलत इल्जाम लगाया है। आपको क्या कहना है इस बात को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अक्षय कुमार ने कैंसिल की हाउसफुल 4 की शूटिंग। दरअसल इस वक्त हैशटैग मीटू मूवमेंट के चलते बॉलीवुड के कई दिग्गज एक्टर्स डायरेक्टर्स पर उंगली उठाई जा रही है, जिसमें हाउसफुल 4 के डायरेक्टर साजिद खान और हाउसफुल के इस चौथे इंस्टॉलमेंट में दिखाई देने वाले बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर का नाम भी शामिल है। ऐसे में अक्षय कुमार ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ ठोस कदम लेते हुए इस दिन एक स्टेटमेंट जारी किया है, जहां उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ वो काम नहीं करना चाहते जो ऐसे मामलों से जुड़े हो, और इसीलिए कुछ दिनों के लिए उन्होंने हाउसफुल 4 के शूटिंग को रोकने का निर्णय लिया है। बताते चले, अक्षय पिछले दिनों देश से बाहर थे और इंडिया वापस लौटते ही उन्होंने इस स्टेटमेंट को जारी कर हाउसफुल 4 के शूटिंग को कैंसिल करने का फैसला किया। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूं मंदिरा टैगोर और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही मसालेदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। एजाज खान ने कहा, मैं सलमान खान का फैन हूँ, एंड ही शेयर्ड टिकटॉक वीडियो। एक्टर एजाज खान सलमान खान के डाई हार्ट फैन है और इस बात में कोई दो राह नहीं है। जहां आए दिन एजाज सलमान के लिए अपने एडमिरेशन को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, वहीं हाल ही में उन्होंने एक टिकटॉक वीडियो शेयर किया है जहाँ वो खुद को सलमान का फैन बताते नजर आए। इस वीडियो को शेयर करते हुए एजाज खान ने लिखा, लव यू भाई। वेल, एजाज के इस जेस्चर को देख श्योरली सलमान भी काफी खुश होंगे। वैसे बता दे, पिछले कुछ समय से एजाज खान अपनी अपकमिंग फिल्म लकीर का फकीर पार्ट 2 को लेकर काफी सुर्खियों में हैं, जहां इस फिल्म के फैंस बेसब्री से एक बार फिर एजाज को बैक इन एक्शन देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। वहीं इस फिल्म से एक बार फिर जुबैर खान और एजाज खान का एक्टर डायरेक्टर डुओ वापसी करने जा रहा है। बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखना ना भूलें बॉलीवुड स्पाई।
दोस्तों, आमिर के नक्शे कदम पर चलते हुए अब अक्षय कुमार और साजिद नाडियाडवाला ने उठाए यौन उत्पीड़न के खिलाफ ठोस कदम। दरअसल हाउसफुल 4 के डायरेक्टर साजिद खान के खिलाफ एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सलोनी चोपड़ा ने #MeToo कैंपेन के तहत सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है, जिसके बाद हाउसफुल 4 से साजिद खान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बताते चले दोस्तों, साल 2011 में साजिद खान के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हुए सलोनी को कुछ ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा, जिसे जब उन्होंने सोशल मीडिया पर बयां किया, तब हाउसफुल 4 के मेकर्स ने इस फिल्म के बजट और गुडविल को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय ले ही लिया, और खुद साजिद खान ने भी इस डिसीजन को सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपने भी सपोर्ट किया है #MeToo कैंपेन को? बॉलीवुड स्पायर के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। वैसे तो बिग बॉस सीजन 12 जब से शुरू हुआ है, तब से हर वीकेंड का वॉर पर सितारों का मेला लगता है। जहां इस सीजन के पहले वीकेंड का वार पर हमने वरुण धवन को देखा, फिर आए आयुष्मान खुराना, तबू, आयुष शर्मा और वरीना हुसैन जैसे स्टार्स, और फिर पिछले हफ्ते सलमान ने अपने पार्टनर यानी गोविंदा को वेलकम किया। वैसे अभी तक दर्शक स्ट्रीट से उभर भी नहीं पाए थे कि एक और ट्रीट की आई खबर। जी हाँ, सोर्सेस के मुताबिक सलमान खान इस वीकेंड का वॉर पर अपने प्यार किया तो डरना क्या कि वो स्टार काजोल को स्वागत करते नजर आए, जहाँ काजोल अपनी अपकमिंग फिल्म हेलीकॉप्टर एला को प्रमोट करने नजर आई। बताते चले, कुछ समय पहले इसी फिल्म के प्रमोशंस के दौरान काजोल ने ये कहा था कि अगर सलमान उनके टीचर होते तो वो उन्हें शर्टलेस होकर पढ़ने के लिए कहती। ऐसे में इस वीकेंड का वॉर, क्या काजोल सलमान के सामने ऐसा ही कुछ डिमांड रखेंगी? दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। #MeToo मूवमेंट ने बॉलीवुड के कई नामचीन एक्टर्स को रातों रात बेनकाब कर दिया। बॉलीवुड में इस मूवमेंट के साथ सबसे पहले जिस एक्टर का जिक्र होता है, जिस एक्टर का नाम जोड़ा गया था, वो है नाना पाटेकर। जब एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने 10 साल पुराने एक इंसिडेंट का जिक्र किया, तब अचानक नाना पाटेकर पर उंगलियाँ उठने लगी, और अब इसी के चलते नाना पाटेकर ने हाउसफुल 4 से स्टेप डाउन करने का निर्णय लिया है। बता दें, पहले इस फिल्म के डायरेक्टर साजिद खान को भी #MeToo मोमेंट का सामना करना पड़ा, जिसके चलते उन्हें इस वेंचर से हाथ धोना पड़ा, और अब नाना पाटेकर ने इस फिल्म से स्टेप डाउन करने का निर्णय लिया है। बताते चलें कि एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज भी करवाई है, लेकिन नाना पाटेकर का अभी भी वही कहना है जो उन्होंने इस मामले में 10 साल पहले कहा था। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ। कमेंट सेक्शन आपका है, और इसी तरीके की बॉलीवुड अपडेट्स हम लाएंगे आप लोगों के लिए, जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में मेरे यानी कि ईशान के साथ। दोस्तों, सलमान खान ने की अक्षय कुमार की तारीफ। वेल, अक्षय कुमार जो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 4 की शूटिंग में बिजी हैं, उनको लेकर सलमान ने इस दिन अपने शो बिग बॉस पर बांधे तारीफों के पुल। दरअसल इस दिन गोविंदा सलमान खान के शो बिग बॉस पर अपनी अपकमिंग फिल्म फ्राइडे को प्रमोट करने पहुंचे थे, और इसी दौरान जब गोविंदा और सलमान बिग बॉस कंटेस्टेंट बनने का रोल प्ले कर रहे थे, उस वक्त अक्षय कुमार को नॉमिनेट करने की बात आई। तब सलमान ने तुरंत इसके जवाब में कहा, नहीं, अक्षय कुमार को नॉमिनेट नहीं करेंगे, वरना वो बिग बॉस के घर से निकलते ही 3 फिल्में करेंगे और पब्लिक उन 3 फिल्मों को देखने के लिए थिएटर्स में दौड़ेंगी, फिर बिग बॉस कौन देखेगा। और कुछ इसी तरह से सलमान ने इस दिन बिग बॉस पर अक्षय कुमार की तारीफ कर डाली। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें जरूर लिख भेजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में मेरे यानी कि ईशान के साथ। दोस्तों, कॉफी विद करण का ये सीजन वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। जहां इस सीजन के पहले एपिसोड पर दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट नजर आएंगी, वहीं अब अक्षय कुमार और रणवीर सिंह बने करण के कॉफी काउच पर मेहमान। बताते चले दोस्तों, इसके पिछले सीजन में रणवीर कभी अर्जुन कपूर तो कभी रणबीर कपूर के साथ नजर आ चुके हैं, और अब इंडस्ट्री के इन दोनों हैंडसम हंक्स को एक साथ कॉफी की चुस्कियां लेते हुए करण के
तीखे सवालों का जवाब देते हुए देखना किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाला है। वैसे बता दें, कॉफी विद करण के सीजन में फादर डॉटर ड्यूओ सैफ अली खान और सारा अली खान के साथ साथ स्टेप सिबलिंग्स अर्जुन कपूर और जानवी कपूर भी केजो के मेहमान बनते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कितने एक्साइटेड हैं कॉफी विद करण के इस एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू सीजन के लिए, और साथ ही साथ उन सारे सेलेब्स के लिए जो आने वाले हैं करण के काउच पर? हमें जरूर लिख भेजें नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में मेरे यानी कि ईशान के साथ। दोस्तों, सलमान खान ने की अक्षय कुमार की तारीफ। वेल, अक्षय कुमार जो इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म हाउसफुल 4 की शूटिंग में बिजी हैं, उनको लेकर सलमान ने इस दिन अपने शो बिग बॉस पर बांधे तारीफों के पुल। दरअसल इस दिन गोविंदा सलमान खान के शो बिग बॉस पर अपनी अपकमिंग फिल्म फ्राइडे को प्रमोट करने पहुंचे थे, और इसी दौरान जब गोविंदा और सलमान बिग बॉस कंटेस्टेंट बनने का रोल ले कर रहे थे, उस वक्त अक्षय कुमार को नॉमिनेट करने की बात आई। तब सलमान ने तुरंत इसके जवाब में कहा, नहीं, अक्षय कुमार को नॉमिनेट नहीं करेंगे, वरना वो बिग बॉस के घर से निकलते ही 3 फिल्में करेंगे और पब्लिक उन 3 फिल्मों को देखने के लिए थिएटर्स में दौड़ेंगी, फिर बिग बॉस कौन देखेगा। और कुछ इसी तरह से सलमान ने इस दिन बिग बॉस पर अक्षय कुमार की तारीफ कर डाली। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें जरूर लिख भेजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड स्पाई के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान। वैसे तो अक्षय कुमार की झोली में इस वक्त कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर बेसब्री से इंतजार चल रहा है। उसे लेकर आई है एक बड़ी खबर। जी हाँ, दरअसल पिछले कुछ समय से पृथ्वीराज चौहान के बायोपिक में अक्षय कुमार के होने की खबरें छाई हुई थी। हालांकि इस बारे में ज्यादा खबरें तो नहीं आई, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान के बायोपिक के लिए अक्षय को फाइनल किया जा चुका है, जहां अक्षय कुमार के साथ साथ एक और दिग्गज एक्टर को कास्ट किया जाएगा। बताते चले, अगले साल की शुरुआत से इस फिल्म की तैयारी शुरू कर दी जाएगी, जबकि जुलाई से शूटिंग। वैसे पृथ्वीराज चौहान के किरदार में अक्षय को देखना वाकई दिलचस्प होगा। साथ में ये भी बता दें, इस वक्त अक्षय अपनी अपकमिंग फिल्म केसरी और हाउसफुल 4 की शूटिंग में बिजी है। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। हश मी टू मूवमेंट ने इंडस्ट्री से जुड़ी कई कड़वी सच्चाई से पर्दा उठाया। इस दौरान कई नामचीन सेलिब्रिटीज बेनकाब भी हुए, लेकिन टेलीविजन एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे से जब इस मूवमेंट के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने इसे पूरे मामले को रबिश बताते हुए एक अलग सच्चाई से सभी को रूबरू करवाया। बता दें, इस इंटरव्यू के दौरान शिल्पा का कहना था, इट्स रबिश, आपको तभी आवाज उठानी चाहिए थी जब ये हो रहा है। इवन आई गॉट अ लेसन, जब होता है तभी बोलो, बाद में बोलने का कोई फायदा नहीं, इट्स यूजलेस। बाद में आप वॉइस रेस करते हो, उसको कोई नहीं सुनेगा, जस्ट कॉन्ट्रोवर्सी होगी, नथिंग एल्स। यू हैव टू टेक अ कॉल दैट टाइम ओनली व्हेन इट हैपेंस, एंड ऑब्वियसली यू नीड पावर। बता दे, कुछ सालों पहले जब शिल्पा ने एक ऐसे ही मुद्दे पर आवाज उठाई थी, तब उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया था। ऐसे में वो इन घटनाओं से वाकिफ भी है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, और क्या आप भी शिल्पा शिंदे की राय से सहमत है? हमें अपने विचार बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ।